हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आप सभी लोग यूजीसी के नाम से जानते होंगे, जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे रन करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल्स। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है किसी भी कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया के, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि टाइमली बेसिस पे उसको सारे एडवर्टाइजमेंट्स इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग, जुडिशरी वैकेंसीज के रिगार्डिंग उसे अपडेट्स मिल जाए। इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स टाइमली बेसिस पे मिल जाती है। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझ लेते हैं। यूजीसी ने जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है, लीगल वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है इसमें, और इसमें जो आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इन्होंने बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर की हो या फिर 5 ईयर की हो, लेकिन आप फर्स्ट डिविजन के साथ पास होनी चाहिए आपकी एलएलबी में। इट मीन्स आपके 60% एंड अबव होने चाहिए तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एलएलबी की डिग्री विद 60% एंड अबव। सेकंड, इन्होंने आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कि आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो अभी पीएसयू में किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। तो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ 2 चीजें बोली है, एलएलबी में 60% एंड अबव होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के बारे में। इन्होंने एज में बोला है आपका कि आपके 40 इयर्स अबव नहीं होने चाहिए, आप मतलब आप बिलो 40 होंगे तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको अपनी एज 11th अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 11th ऑफ अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग आपके 40 इयर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को अच्छी लगेगी तो आपके टेन्योर को रिन्यू कर दिया जाएगा, आपको 1 साल के लिए आपका टेन्योर रिन्यू किया जा सकता है। रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 60,000 to 70,000 के इन बिटवीन मंथली आपको प्रोवाइड करी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 10th ऑफ अगस्त 2023 से पहले, 10 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें जो आपसे एक चीज और बोली गई है कि आपके पास, वैसे ये मैंडेटरी चीज नहीं है बट आप अगर इसमें, जब आपका इसमें क्योंकि कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, आपको आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, आपको मेल और मैसेज के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपको इंटरव्यू देने के लिए जगह पर आना है। यूजीसी मोस्ट प्रोबेबली अपने ऑफिस में ही ये कंडक्ट कराएगी। बाकी जो भी होगा आपको आपकी ईमेल आईडी पे प्लस आपके मोबाइल नंबर पे आपको टाइमली बेसिस पे यूजीसी के द्वारा आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है वो दिल्ली ही होने वाली है, तो दिल्ली एनसीआर और दिल्ली वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपकी होम लोकेशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ ही साथ आपको अपने साथ ये सारे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां क्लिक करके आपको इंटरफेस खुल जाएगा इनकी यूजीसी की साइट का, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है फॉर्म फिलअप करने के द्वारा तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिजोल्व करने की। स्टिल अगर आपको कोई ऐसा कमेंट है जो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते या नहीं लिख सकते तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां भी कोशिश करूंगा आपको टाइमली बेसिस पे रिप्लाई करने की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको टाइमली बेसिस पे वैकेंसीज के बारे में और इंटर्नशिप्स के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।